शायर मुसविर मामूजी पवंदो आहियां त हुनखे छा छा चवां छो त इहे सभु उनजे सुञाणप जा हवाला आहिनि ऐं तमामु ख़ूबसूरत गलो रखंदड़ ख़ूबसूरत गुलूकार असांजो प्यारो दोस्त मुमताज़ लोहार खे गुज़ारिश आहे त उहो अचे ऐं साईं मोहम्मद अली पठाण साहब जे हिन किताब जे हवाले सां पंहिंजे ख़्याल गुज़ार करे माण्हू रखियो आहे थोरो लिखियो घणो सम्झंदा उहे ॾींहं हूंदा हुआ जॾहिं हर रोज़ दरवाज़े सां कन लॻल हूंदा हुया तगन में रीद हूंदी हुई त कहिड़ी महिल थो टपाली अची दरवाज़ो खटकाए निटण उस तोड़े सुबुह जे थदड़ी हीर में मुरकंदड़ मुख सां अची कंहिं सजण जो मोकिलियल ख़तु ॾिए ऐं पोइ जॾहिं ख़तु मिलंदो हो त लिफ़ाफ़े ते लिखियल पंहिंजी एड्रेस उन में पंहिंजो नालो ॾिसी कमरे में अची खट ते आहे थी विहाणो ॿीणो करे उन ख़त खे खोले पढ़ी ईअं करार वठिबो हो जीअं हाणे गर्मीअ जे मुंद में एयर कंडीशन जे अॻियां वेही माण्हू सुकून माणींदो आहे समूरो ख़त हिकु दफ़ो न पर ॿ टे भेरा पढ़ी वठिबो हो उन्हनि ॾींहनि में अक्सर ख़तनि जी पुॼाणी इन जुमिले सां थियल हूंदी हुई त थोरो लिखियो घणो सम्झंदा हर ख़त हिकु कहाणी हूंदो हो ऐं हर कहाणी अंदरि वरी केतिरियूं मुख़्तसर कहाणियूं हूंदियूं हुयूं अॼु जॾहिं सिंधी ॿोलीअ जे बरजस्ते ऐं मुतहरक कहाणीकार मोहम्मद अली पठाण जो कहाणी किताब दुनिया खां अॻिते असांजे हथनि ताईं पहुतो आहे त मूंखे ईअं थो लॻे ॼण हीउ किताब बि लेखक पारां पूरे समाज सां लिखियलु हिकु अहिड़ो तारीख़ी ख़तु आहे जंहिं अंदरि कई कहाणियूं मौजूदु आहिनि जिन जा किरदार कहाणी जे क्लाइमेक्स में साॻियो जुमिलो असांजे दिलि ऐं दिमाग़ ते चिटे था वञनि त थोरो लिखियो घणो सम्झंदा कहाणी उहो समाज जे कंहिं फर्द सां पेश आयल हादसनि वार्ता अक्स या कंहिं सानिया ते कटियल का एफ आई आर नाहे हूंदी पर हुन में हिकु कहाणीकार जी फिकरी उॾार उन जी अदबी बीहक ऐं ज़िंदगीअ जी तस्वीर जा पज़ल्स पिणु मौजूदु हूंदा आहिनि पढ़ंदड़ या नकार उन्हनि पज़ल्स खे मिलाए उन कहाणीकार जी ॾाह ऐं दाम जो ख़ाको जोड़ींदा आहिनि सिंधी कहाणी सदर जे ॾहाके खां पोइ अॼु ताईं हिकु वॾो जंप हणी दाख़िलियत जी सोरहीं घिटीअ मां निकिरी ख़ारजियत जे कुशादे अङण ते पेर रखिया आहिनि उन करे हाणे कहाणियुनि जा मौज़ू किरदार ऐं क्लाइमेक्स मॉडर्निज़म जे पेचरनि ते हलणु लॻा आहिनि सिंधी कहाणी जे उन छाल में जिन कहाणीकारनि नवां तजुर्बा कया आहिनि तिन में अमर जलील नजम अब्बासी माणिक शौकत शोरो अख़लाक अंसारी मोहम्मद अली पठाण अख़्तर जांवरी तारिक आलम अबड़ो मदद अली सिंधी नूरुल हुदा शाह महताब महबूब शबनम गुल रसूल मेमुन ख़ैरुन्निसा जाफरी नसीम खल जमाल अबड़ो तारिक कुरेशी अली बाबा ज़राब हैदर मुनवर सिराज अनवर काका अमर लिगारी ऐं मोहम्मद सिदीक मंगियो समेत केतिरा ई कहाणीकार अची वञनि था कंहिं दौर में सिंधी अदब ते फ्रांस ऐं रूस समेत केतिरनि ई परॾेही कहाणीकारनि जो राज हो उहे ॼण सिंधी अदब सर्जींदड़ खां पढ़ंदड़ ताईं जे ज़हन जूं वाघूं वराए वेठा हुआ सिंध जे केतिरनि ई कहाणीकारनि परॾेही कहाणीकारनि जो नज़रियो टेक्निक असलूब मौज़ू ऐं किरदारनि जी उणत खे अपनायो आहे पर कुझु कहाणीकारनि पंहिंजे अलॻि सुञाणप ऐं मञता माणी आहे तरक़ीअ ॾांहुं तेज़ीअ सां वधंदड़ हिन दुनिया न रुॻो असांजा ज़हन नवाण पसंदि करे छॾिया आहिनि पर असांजे ज़िंदगी गुज़ारण जा ढंग रंग ऐं उन जी अकासी कंदड़ फ़नून लतीफ़ा जे समूरनि शोभनि में तब्दीलियूं आंदियूं आहिनि जिन राय थियण जी शुरूआती मरहलनि में तज़ाद इख़्तिलाफ़ रद तनक़ीद ऐं मुंझारनि जे सोड़नि घिटियुनि मां गुज़रंदे नेठ पाण मञराए रायज थी मुतासिर कयो आहे ईअं ई अदब अंदरि मुख़्तलिफ़ सनफुनि में नवां तजुर्बा थिया ऐं पोइ उन्हनि पंहिंजे वजूद खे मञता ॾियारी आहे सिंधी कहाणीअ में अहिड़ी इर्तका संदसि तवील पुणे खे घटाए मुख़्तसर कहाणीअ जो रूप ॾिनो आहे हींअर सिंधी अदब में केतिरा ई कहाणीकार आहिनि जेके मुख़्तसर कहाणियूं लिखी रहिया आहिनि ऐं उन सां निभाउ करे रहिया आहिनि अहिड़े मुख़्तसर कहाणियुनि जो बुनियाद या शुरूआति सिंधी अदब में कंहिं बि कई हुजे पर हिन वक़्तु मुसलसिल ऐं रोज़ाने जे बुनियाद ते सिंध अंदरि हिकु ई कहाणीकार आहे जेको अणथक तख़लीकी सफ़र में मुतहरक आहे ऐं उहो आहे साईं मोहम्मद अली पठाण जेको रोज़ानी अख़बार काविश कामींदे सोशल मीडिया ऐं किताबी सूरत में जज़ी अंदाज़ में कहाणी लिखी रहियो आहे
संदस इन किताब दुनिया का अगते में शामिल मुख्तसर कहानी फन ए फिक्र के हवाले का कें पूरन महीन वाली गभवारी माँ के जड़े सेहतमंद बार कहानी का प्लॉट अज के जदीद दौर में असाजे घर अंदर पाड़े गोठन ए शहर में मौजूद अड़न किरदार बधल है जी नाबराबरी बेवसी जहालत रवायत बुनियाद परस्ती जागीरदारणी सोच गुर्बत ए सियासत के पेचर ए पिंजर में फासी पवन था। हि मौजू भली तो दोहरायल हुजन पर कोई हर कें लेखक की पैंपी पेशकश है उन बाबत पैंल नतीजा ए हल आन ए समाज में उ रवैया मसला अना खत्म नाहन थिया उन उन्होंने लिखण की अना जरूरत है। जिंदगी थकजंदी है वह थकावट ही है जी पोढ़ाप के कोफ में वेड़े जहन के वेसारो ए समाज का लातालुक बणाई है पर जै फर्द थकावट के शिकस्त दींद है तो संदस अड़ो हौसलो समाज जो वरझलो थी पवन है उनकी सोच के सदाई ताजो ए मुतहरक रखी है कोई पोढ़ाप तो पर फना खेस बका दई कायनात के मादी शयन का वी संदस कल पोरी में ताहयात जीवन अर्पे वी है उन खुशनसीबन मंझाई है। मोहतरम मोहम्मद अली पठान जैसे जैसे दिल पे परेशान कर बीमारी के बिस्तरे से सुतल अस्पताल के रूम अंदर रहंदे रात की सांत में भरसा वेठल जीवन साथियाणी का लिख छप में मोबाइल के टार्च से एक मुख्तसर कहानी लिखी वे तो अड़ो हौसलो ए तकलीक से प्यार जैसे संदस पोरी में शामिल हूँ तो यकीन संदस तकलीफू इन बीमार समाज लाए वेझे जो किरदार अदा कर किताब में शामिल संदस लिखल छाहठ कहानी सखर के छाहठ दरवाजन वाले पुल जहाँ वाक्य के लिहाज का मुख्तलिफ ए असाज आसपास धड़कंदड़ दिलन के दर्दान जो दास्तान है जी पढ़ने असाज समाज का पैदा थे लातापी की वाग के वरान थी उ चूंडियो हणी जिंदोड़े जागन थी असें आइनो ेखारे पान संवार उत्साहन थी हर कहानी पैं अंत कें मुखलिस मसीहा जिया बीमार की न रुगो चकास कन थी पर उन्होंने दायमी छोटकारे जो इलाज भी अचन थे। मोहम्मद अली पठान पैं हमसर में एक मुनफरद कहानीकार है वो शहर का गोठ के अंदर समाज का नजरअंदाज थल किरदार कहानी लिखे तो संदस बोली किरदार निगारी मंजर निगारी ए तशबीहू हर कहानी के वाक्य के जानदार बणाइन थी। संदस कहानी में टाच सियासी नारेबाजी को हर कहानी कें चौंक से लगल वही आरसी जी जिता हर गुजरदड़ शख्स के पैं चेहरे से गुड कंजा चेहरा भी नजर अचन था। हर अख उन आरसी में अड़ा देख दिसे थी जी कें विसास मानू जो जीव झोरे छन था उन हर मानू से छल है तो वह साई मोहम्मद अली पठान के देखल आरसी का अगत वही शर्म का कंध झुकाय गुजरी वही या पान सा गुड आसपास के माहौल के बेहतर बनाने लाय का कोशिश करें। मोहम्मद अली पठान पैं कहानी अंदर कें न कें किरदार का को सच मुंझारे जो हल का सलाह ए तनकीदी राय एतरे तो सुभा ए डाहक से तो गल राय जो वह पढ़दड़ के चिड़न थी जाए पर संदस ततल हयाव से पानी जा लगातार छंडा हणी थदो करे सोचण से मजबूर करे थी वह कें भी तकलीकार के तकलीक की कामयाबी होंगी है। इन किताब में शामिल समूरू कहानी उन हवाले तौर से गणाए सकजन थी मिसाल तौर सिर्फ़ एक कहानी बाबे जो नालो कहानी में गुर्बत के वर चढ़ियल घणन बारन की लोध पालींदड़ एक माँ जो दर्द केड़े न कमाल सा इन जुमले में ओतियो वो है बस सदी जो मुकदर में रात तना मुसाल चयो पे तो बस रुगो ही बाकी हिकड़ो पुटड़ो जणी दे तो बाबे जो नालो रखांस असाजे गोठन अंदर अड़न कुटुंब की वधंदड़ आबादी की कथा कड़ी न कारीगिरी से कहानी में पेश कल है। इन किताब में केतर ही अड़ी कहानी शामिल हैं जिनकी पुजाणी उदास ए दुखारो कर छे थी। जिंदगी के हलदड़ गाड़ी के खुलल दरिए में नजर ईंदड़ तकड़ा गुजरी वींदड़ अड़ा लेख जे पल पल मानू जो केफियतू तब्दील कंदा हुजन अड़ी ही कहानी महफूज हैं इन किताब में कें भी एजाज एवार्ड ए सर्टिफिकेट का सवाल हि कहानी सिंधी अदब ए जदीद दौर में लिखजल कहानी में पैं अलग थलग सुण मान्यता मानी इन कहानी जो सर्जन हाल मोहम्मद अली पठान पैं तबियत में
हूअं बि मुतहरक मुहबतूं ॾींदड़ उत्साहींदड़ ऐं कहिड़ी दर्द दिलि में पालींदड़ हिकु अहिड़ो रावी आहे जंहिंखे संदसि हिन सुहिणे पोरे जे मोट में खोड़ सारो प्यार ऐं संदसि सिहत सोच सत ऐं कलम जी जुंबश लाइ दुआ गुआही इन उमेद सां मोकिलाणी त साईं मोहम्मद अली पठाण सदाई ऊंदाही राति में चंड बणजी चारा छिटा कंदो। वॾी महिरबानी ही मुमताज़ लोहार ऐं मुमताज़ लोहार दोस्त चवंदा आहिनि त जॾहिं स्टेज ते बि पंहिंजो पेपर पढ़ंदो आहे त उहो हुनजो नसरी पेपर बि जहिड़ो शाइरी हूंदो आहे जो विच में माण्हू वाह वाह बि कंदा लॻंदा आहिनि ताड़ियूं बि वॼाईंदा आहिनि ऐं वरी हिन यार जो जेको पढ़ण जो अंदाज़ आहे उहो बि दिलो भईंदड़ आहे। त मुमताज़ तव्हांजी तमामु वॾी महिरबानी।